नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टिकी लेबल्स के बारे में। स्टिकी लेबल्स के बारे में हम ये बात करेंगे कि हमें कौन से स्टिकी लेबल्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए और कौन से स्टिकी लेबल से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं स्टिकी लेबल्स के बारे में कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, अमेज़ॉन ने, उड़ान ने अब सारे जो लेबल्स हैं स्टिकी कर दिए हैं। अमेज़ॉन ने भी काफ़ी लेबल्स नहीं करे हैं, बट उड़ान ने अब परमानेंटली कर दिए हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट भेजेंगे उस वो आप प्रिंट आउट वाली शीट में नहीं लगा सकते, उसके लिए स्टिकी लेबल का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा एंड देन वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा बॉक्स पे। तो अगर आप नॉर्मली बाहर से एक शीट का पैकेट लेते हैं, वो 200 का पैकेट आता है, उसमें 100 शीट्स होती हैं, मींस 2 रुपये की एक शीट आपको पड़ जाती है वो। और उसमें 2 पार्ट वाली लें या 4 पार्ट वाली लें, वो आपके ऊपर है जैसे आप स्टिकी लेबल उस पर निकालना चाहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन जहाँ तक मुझे लगता है वो नहीं है दोस्तों, आप 200 रुपये की एक पैकेट ले रहे हैं शीट्स का, बट वो उसके बाद भी वो पेस्ट नहीं हो रही है, तो उसका फ़ायदा क्या? ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो इश्यूज आते हैं मेनली स्टिकी लेबल्स में, पहला आता है गमिंग इशू। गमिंग बहुत कम होती है, ऐसे स्टिकी निकालो तो लेबल निकल जाता है। दूसरा इशू आता है इसका, आप मानेंगे नहीं कि दूसरा इशू वाटर रेजिस्टेंस का आता है। वाटर रेजिस्टेंस मींस आप देख लीजिए, अगर आप उस पेपर पे अगर आप वो पेस्ट कर देंगे बॉक्स पर, उस पर पानी गिर जाता है तो उसमें से जो वर्ड्स हैं मिटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता। और तीसरा होता है स्मज प्रूफ, या आप कह सकते हैं प्रिंटिंग कैन बी रिमूव्ड, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। जैसे अगर आप उसको स्क्रैच करेंगे ना, तो अगर आप नॉर्मल शीट्स अगर यूज़ कर रहे हैं, 200 वाला पैकेट को यूज़ कर रहे हैं, देन उसमें से प्रिंटिंग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो प्रिंटिंग निकलनी स्टार्ट हो गई तो वो ना कुरियर वाले के पास जाएगी ना ही कस्टमर के पास जाएगी, तो वो पैकेट या तो लगाइन लॉस्ट हो जाएगा या तो आपके पास RTO बन के आ जाएगा वापस। तो उसका कोई सॉल्यूशन या उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों का से क्या समझ आती है चीज़ें, कि अगर आगे जाके A4 साइज शीट्स ऑनलाइन इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं चली या ज़्यादा नहीं बिकी, तो ये गमिंग शीट्स का अगर पेस्टिंग लेबल्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए बॉक्स पे, अगर आपको पेस्टिंग लेबल लगाना है तो आप क्या करेंगे, amazon.in या flipkart.in पे जाके वहाँ पे आप, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा उसका, जौन सा लिंक पे आप परचेज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग शीट्स को, वो लिंक पे आप क्लिक कीजिए। वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद आपके पास वहाँ पे आप बाय नाउ कर सकते हैं। 300, 400, 500 का पैकेट आता है वो, तो वो आप अपने लिए लीजिए। उसमें से क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी गमिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अगर आप पेपर निकाल रहे हैं तो पेपर आराम से निकल जाता है, लेकिन जो जो शीट स्ट्रांग वाली होती है उसके साथ कुछ पार्ट बॉक्स पे रह जाता है, तो वो पूरी तरीके से नहीं निकलती है। दूसरी चीज़, उसमें कुछ भी स्मज प्रूफ नहीं है, मतलब आप उसको स्क्रैच भी कर दें, उसको कॉइन से भी स्क्रैच कर दें, तो उसमें से वर्ड्स नहीं मिटेंगे। और तीसरी चीज़ होती है कि वाटर रेजिस्टेंट है दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आपने प्रोडक्ट दिए और वो गीले हो गए या बारिश आ गई, तो उसमें पिकअप पर्सन भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो कट्टे में लेके जा रहा है। कहीं से अगर पानी चला गया होल्स में से और वो लेवल पे चला गया पानी, तो आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा, ना ही पिकअप पर्सन का होगा ना ही कुरियर कंपनी का होगा, वो आपको लॉस होगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। 50-100 रुपये के पीछे दोस्तों, ये आप 10-20-50,000 का लॉस ना कीजिए।